वेलकम टू द पाठशाला। ये आपके एसएससी सीजीएल 2018 के इंग्लिश की क्लास है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोनाउन पे छठा लेक्चर है। इसके पहले हम पूरा का पूरा जो नाउन है वो कर चुके हैं, तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट नया है तो आप नाउन से स्टार्ट कीजिए, पहले लेक्चर से स्टार्ट कीजिए। वहाँ पर मैंने बहुत बेसिक चीज़ों की बात की है। बगैर नाउन पढ़े हुए आपको प्रोनाउन नहीं आएगा अच्छे से, तो पहले आपको नाउन पढ़ना है, देन प्रोनाउन पढ़ना है, और साथ में ये तीन कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। कॉन्सेप्ट नंबर वन माइंड बाउल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर टू जो है आपको स्टडी का जो ग्राफ है कुछ ई के पावर एक्स के हिसाब से रखना है, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री एफर्ट और कंसिस्टेंसी आपको 100% बनाए रखनी है। तो जब आप नाउन का लेक्चर ले रहे होंगे तब उसमें माइंड बाउल का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, साथ में आपको वो भी यूज करना है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वॉलंटरी फ़ी है जो आप इन पेटीएम नंबर्स पे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और इस चीज़ को और बेहतर बनाया जा सकता है, तो इन्वायरमेंट और आईक्यू दोनों का क्लोज रिलेशन चलता है जैसा कि मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। तो आज भी हम क्या करेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे और साथ में एंटीसीडेंट के कॉन्सेप्ट को भी कुछ और समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा थोड़ा सा टफ पार्ट पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा आराम आराम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैंने रिलेटिव प्रोनाउन की कुछ और बेसिक चीज़ें ली है जो आपको समझने में इसे और मदद करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिए हैं, जैसे हु, विच और दैट, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम आरपी से लिख रहे हैं। जो हु होता है, समझिए कि हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। हु हम इस्तेमाल करते हैं पर्सन के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। विच का इस्तेमाल करते हैं हम पर्सन को छोड़ के, अगर हम पर्सन को छोड़ दें तो हमारा आता है नॉन लिविंग थिंग और आता है एनिमल। और दैट की बात करें तो ये इंक्लूड करता सभी को, पर्सन भी आ जाएगा इसमें और नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स आ जाएगा। सीधा सीधा ये कह दे कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग। अब जो हु का सेंस होता है, हु का सेंस कौन के सेंस में आता है, विच का सेंस भी उसी सेंस में आता है, दैट का सेंस भी, एक तरीके से ये क्या करते हैं, रिलेट करते रहते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बस आपको याद यही करना है, क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपके पास इतना समय होता नहीं है कि आप सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालो फिर सही से फिट कराओ। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करने के लिए आपको कीवर्ड्स याद रखने पड़ते हैं, तो कीवर्ड्स आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। तो हम एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन को देख रहे हैं कि किस तरीके से इनका हम तालमेल बिठाते हैं। तो हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे, माई ब्रदर हु वॉज ए स्टूडेंट, मेरा भाई जो स्टूडेंट था, कहाँ का, सेंट स्टीफेंस कॉलेज का, टॉप द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन टॉप किया था। तो ये जो हु आया वो किसके लिए आया है, मेरे ब्रदर के लिए, ये एंटीसीडेंट है हु का। तो ये क्या है आपका, एक पर्सन है, तो पर्सन है इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है। द हाउस विच वॉज रिनोवेटेड रिसेंटली हैज बिन पुट ऑन सेल, यहाँ पे देखिए द हाउस है, विच किसके लिए आया है, द हाउस के लिए आया है। तो द हाउस क्या है आपका, इसका एंटीसीडेंट है विच का और नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए हमने विच का इस्तेमाल किया है। देखो ये तो रही ये चीज, ये कीवर्ड्स याद रखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट जो होता है वो एक दूसरे के पास में ही रहते हैं। तो बस आपको पास वाला देखना है कि क्या है, अगर वो पर्सन है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल करोगे, अगर वो एनिमल है या फिर आपका नॉन लिविंग थिंग्स है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, तब आप इस्तेमाल करोगे विच का इस सेंस में, जिस सेंस में आया है कि मेरा भाई जो स्टूडेंट है, जो के सेंस में, द हाउस विच वॉज रिनोवेटेड, जो रिनोवेट हुआ था, तो जो के सेंस में जब आएगा तो आप ये को ये देखना है। और दैट का इस्तेमाल जब हो रहा हो तब आपको ये देखना ही नहीं है कि लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, पर्सन है या पर्सन नहीं है, समझ रहे हैं आप बात, दैट सभी के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पे सेंस अलग हो जाता है। दैट रिलेट करता है जो के सेंस में, वह के सेंस में, इस दो तीन सेंस में रिलेट करता है। एक और कॉमन क्वेश्चन बनता है रिलेटिव प्रोनाउन को लेके, कुछ आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, ही इज वन ऑफ देम हु टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। जैसे आपका ये हु क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका जो एंटीसीडेंट है ये देम है, क्या है, एंटीसीडेंट है, इसका पूर्वज है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए हैं। तो देम और ये हु, आपको दोनों को चेक करना होता है, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या जो है इसके हिसाब से आया है और एंटीसीडेंट क्या सही है कि नहीं सही है। जो देम होता है हमारा, देम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, देम हम इस्तेमाल करते हैं दे के लिए, देम हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्लूरल नाउन नाउन के लिए, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पे आप देखिए
कि क्या देम का जो आपका दे इस्तेमाल है कहीं सेंटेंस में या प्लूरल नाउन कहीं इस्तेमाल है, ही इज वन ऑफ देम, तो देम तब तक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं जब तक कि उसका नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए या ऑब्जेक्टिव के से इस्तेमाल किया गया है वो क्लियरली मेंशन हो. तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इस केस में हम देम का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ऐसे केस में जब रैंडम किसी की बात की जा रही हो तो हम दोज का इस्तेमाल करते हैं. तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे देम इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे होगा दोज. और इसी रिलेटिव प्रोनाउन को लेके एक और चीज़ है, जैसे ये हुम है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ पे हुम इस्तेमाल है. सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले, द गवर्नमेंट मस्ट रिहेबिलिटेट हुम अफेक्टेड बाई नेचुरल कलामिटीज. जो हुम है इसका आपको रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका एंटीसीडेंट आपको दिखना चाहिए. तो यहाँ पे एंटीसीडेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जब एंटीसीडेंट दिखाई ना दे रहा हो तब हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. द गवर्नमेंट मस्ट रिहेबिलिटेट, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा दोज. द गवर्नमेंट मस्ट रिहेबिलिटेट दोज अफेक्टेड बाई नेचुरल कैलामिटीज. अब यहाँ पे देम भी नहीं ले सकते हो क्योंकि रैंडम है. देम का मतलब होना चाहिए कि उसका नाउन या फिर प्रोनाउन क्लियरली मेंशन हो, जिसका ऑब्जेक्टिव केस आप देम ले रहे हो. तो ऐसे केस में जब नाउन क्लियरली मेंशन ना हो, प्रोनाउन क्लियरली मेंशन ना हो, तो आप दोज इस्तेमाल करते हो. दैट जो होता है वो होता है आपका सिंगुलर फॉर्म, और दैट का जो है दोज होता है वो होता है प्लूरल फॉर्म. तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी. ये सेंटेंस थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट पड़ रहा हो, तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए, वक्त के साथ आपके दिमाग में ये घुस जाएगा. अब इसके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं, उनको भी समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में जब हम यूज करते हैं तो किस तरह यूज करेंगे. जैसे हुज है, हुज या ऑफ विच, ये दो जो है वर्ड्स हैं, इनको हम पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार शो करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है, माई बुक हुज पेजेज वर टॉर्न हैज बिन सेंट फॉर रिपेयर. माई बुक मेरी किताब, हुज पेज जिसका पेज, यहाँ पे पेजेज है, जिसके पेजेज वर टॉर्न टॉर्न कर दिए गए, हैज बीन सेंट फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए भेजे गए हैं. तो यहाँ पे हुज क्या कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है पेज का माई बुक से, एक रिलेशन दिखा रहा है, एक अधिकार दिखा रहा है कि ये जो पेज है वो मेरी किताब का है. अब इसको हुज की जगह आप विच का भी इस्तेमाल कर सकते हो. माई बुक द पेजेज ऑफ विच, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो. तो ऑफ विच का इस्तेमाल करके भी आप पोजीशन दिखा सकते हो. तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे हुज आए या ऑफ विच आए, इसका मतलब है कि वहाँ पे अधिकार की बात की जा रही हो. जिसका के सेंस में आता है बेसिकली, जिसका जिसका मतलब है कि कोरिलेट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो इस तरीके से आता है. कुछ और रिलेटिव प्रोनाउन है, इनके मतलब समझ लेते हैं. जैसे वेन कब इस्तेमाल होता है, वेन कब के सेंस में इस्तेमाल होता है, वाई क्यों के सेंस में इस्तेमाल होता है, वेयर कहाँ के सेंस में इस्तेमाल होता है, हाउ कैसे के सेंस में इस्तेमाल होता है. तो बस हिंदी मीनिंग आप याद रखेंगे तो जब भी आपको सेंटेंस में आएगा तो आप इनको समझ पाएंगे. तो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो बेसिक रूल रहे हैं वो यही हैं. अभी हम कुछ कॉमन मिक्स जो है रूल पढ़ेंगे, जब हम सारे बेसिक रूल पढ़ लेंगे सबके, जैसे अभी हम इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो उसके बाद एक कॉमन चलेगा कि सबको मिला के जो है कॉमन रूल क्या बन रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं. तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ और रूल आएंगे, तो हम वहाँ पे उसको दोबारा से समझेंगे. अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ, कि पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ ले कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है. ये हमारा लास्ट प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है वो हु, हुम, विच और हुज जो रिलेटिव प्रोनाउन था, बिल्कुल मिलता जुलता है, और सिर्फ हम पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन मार्क देख के. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हु है ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, और जो हुम है वो है ऑब्जेक्टिव केस होता है. और मैंने जो अभी हु को लेके बताया कि हु किसके लिए इस्तेमाल होता है, विच किसके लिए इस्तेमाल होता है, दैट किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो सब सेम है. तो हु इस्तेमाल होता है पर्सन व्यक्ति के लिए, हुम उसका ऑब्जेक्टिव केस है, विच इस्तेमाल होता है अगर पर्सन को छोड़ दे, च्वाइस या सेलेक्शन के केस में हम विच का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे जैसे देखिए, हु इज प्लेइंग, तो यहाँ पे हु क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हु इज प्लेइंग. हुम हैज ही इन्वाइटेड, तो यहाँ पे हुम क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है. सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ही है, ही इन्वाइटेड. हुम हैज ही इन्वाइटेड, उसने किसको इन्वाइट किया, हुम को, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो हुम क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. हुज बुक इज दिस, जो हुज है वो एक तरीके से आपका रिलेशन, रिलेशन बता रहा होता है, कारण रीजन ये सब बता रहा होता है कि ये किसका जो है किताब है. हुज बुक इज दिस, तो संबंध बता रहा होता है. हुज का काम होता है रिलेशन बताना, संबंध बताना एक तरीके से. विच भी इसी सेंस में इस्तेमाल होता है.
अब एक चीज और ध्यान रखिए कि जो हुम है, हुम का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, लेकिन अगर बाई हुम हो तो बाई हुम को हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बाई हुम वॉज द रामायण रिटन, ये पैसिव वाइस में आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखोगे जब हम पैसिव वाइस पढ़ेंगे, तो बस यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि बाई हुम को क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट की तरह, और हुम जब सिंगल रहेगा तो हम क्या करेंगे उसको ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे। हु वॉज द रामायण रिटन बाई, इस तरीके से भी हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखते हैं कि हु के साथ हम सेंटेंस को स्टार्ट करके बाई के साथ फिनिश करते हैं। तो ये कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कुछ बेसिक चीज़ें रही है, इन पे बेस कुछ और रूल्स हैं उनको भी चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस है हु आर यू और दूसरा सेंटेंस है आई डोंट नो हु आर यू। देखिए हु आर यू यहाँ पे रखा गया है, हु आर यू यहाँ पे भी रखा गया है। अब यहाँ पे सही है और यहाँ पे ये गलत होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले आप ऐसे पहचानिए कि यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे है फुल स्टॉप। तो जब फुल स्टॉप होता है तो हु आपका क्या काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन का केस है तो जो ये आर है, जो आपका वर्ब है, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो क्या लिखोगे? हु यू आर इस केस में, और ऊपर वाले केस में जो है वो सही है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो आपको मिले तो हमेशा उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट को रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव वाले केस में पहले वर्ब को रखेंगे फिर हम सब्जेक्ट को रखेंगे। अभी ऊपर मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो विच होता है, विच का इस्तेमाल हम पर्सन के लिए करते हैं कब? जब सेलेक्शन या फिर चॉइस हो। अब सेलेक्शन और चॉइस कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस लिया है, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, क्वेश्चन मार्क लगे यहाँ पे, हु इज ब्रदर इन द क्राउड, तुम्हारा भाई कौन है पूरी भीड़ में। तो मान लो भीड़ ऐसे खड़ी है, कई सारे लोग हैं, इसमें से अगर मैं इसका जवाब दूं कि मैं मुझे चुन के ये बताना कि हाँ ये बंदा मेरा जो है भाई है, तो एक तरीके से सिलेक्शन कर रहे हो इस भीड़ में। तो ऐसे केस में आप हु का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप विच का इस्तेमाल करते हो, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। तो विच का इस्तेमाल क्या करते हैं हम? सिलेक्शन या चॉइस के लिए करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ ताकि ये चीज़ और क्लियर हो पाए। कुछ इस तरीके से कभी कभी सेंटेंस आ जाता है, हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट, हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट। तो यहां पे हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वॉन्ट जब आप लिखते हो तो यहां पे सेलेक्ट कर रहे हो कि जो भी आपके पास सर्वेंट्स उसमें से कौन सा चाहिए। तो जब सिलेक्शन की बात आए तो हु का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हैं? विच का इस्तेमाल करते हैं। देखो कुछ रूल होता है हुज को लेके, मैं यहां पे बताऊं आपको। हुज को लेके जो हुज है, हुज का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम हुज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हुज बेसिकली क्या कहते हैं ना, हम ओनर पता करने के लिए, रिलेशन बताने के लिए यूज करते हैं कि ओनर कौन है। बेसिकली हुज से हमेशा सेंस पता चलता है कि ओनर किसी चीज़ का कौन है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हुज बुक इज दिस। अब देखिए आपको ये बुक देख के लग रहा होगा कि हुज तो बुक के साथ आ गया, अब लेकिन इसका मतलब समझिए, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये किसकी किताब है, तो जो हम पूछ रहे हैं किसकी किताब है, ओनर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओनर कोई बंदा होगा, इसलिए हमने हुज का इस्तेमाल किया है। और इसी तरीके का एक आया हुआ सेंटेंस है जो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ और उसको फिर ध्यान से समझिएगा। एक आया था अभी 2016 में ये क्वेश्चन, दिस इज द फ्लाईओवर, दिस इज द फ्लाई ओवर हुज इनागोरेशन, हुज इनागोरेशन, स्पेलिंग INAUGURATIONहोता है इनागोरेशन का, वॉज डन बाई द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। देखो इस तरीके का एक सेंटेंस आया था, दिस इज द फ्लाई ओवर हुज इनागोरेशन वॉज डन बाई द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आवाज को ध्यान से सुन लीजिएगा, हैंड राइटिंग क्लियर ना हो रही हो तो। दिस इज द फ्लाई ओवर हुज इनागोरेशन वॉज डन बाई द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये वही फ्लाई ओवर है जिसका इनागोरेशन जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने किया था। तो ये जो हुज आया वो किसके लिए आया है? फ्लाईओवर के लिए आया, कि ये वही फ्लाईओवर है जिसका इनॉग्रेशन, किसका इनॉग्रेशन? फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन। तो फ्लाईओवर जो है आपका क्या है? आपका निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए हुज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस केस में हम विच का इस्तेमाल करते हैं।
विच का इस्तेमाल करते हैं, तब इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, तब हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, मैं नीचे लिखता हूं, दिस इज द फ्लाईओवर, दिस इज द फ्लाईओवर, द इनॉगरेशन, द इनॉगरेशन ऑफ विच. तो जब भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको पोजीशन दिखाना हो तो ऑफ विच का इस्तेमाल करते हो, द के साथ वो पर्टिकुलर चीज, जैसे इनॉगरेशन कर रहे हो तो इनॉगरेशन ऑफ विच वॉज डन बाई द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर. तो इस तरीके से करते हो कि दिस इज द फ्लाईओवर द इनॉगरेशन ऑफ विच वॉज डन बाई द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर. ध्यान रखिएगा इस चीज को, हुज का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं करते हैं, ऐसे केस में हम विच का इस्तेमाल करते हैं और ऑफ विच का इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली ये जो कीवर्ड होता है ऑफ विच वो यूज होता है, विच सिंगली यूज नहीं होता है इस केस में. तो ये रहे कुछ बेसिक रूल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लेके, रिलेटिव प्रोनाउन को लेके. अब जो आपका प्रोनाउन में बचा हुआ है वो बचा हुआ है कॉमन, कॉमन रूल्स जो आपका सारे प्रोनाउन पे अप्लाई होगा, जो नाउन से रिलेट करेगा, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो तकरीबन एक से दो लेक्चर अभी लेंगे और साथ में हमको करना है प्रैक्टिस. तो जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो आपका प्रोनाउन होता है. एक बार आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया तब आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी. सो मिलते हैं अगली वीडियो में.